नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना, जनरल फिजिशियन एवं कंसल्टेंट, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ कॉफी फिट ऑनलाइन आयुर्वेदिक कंसल्टेशन में। मैं आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हूँ और आज जिस टॉपिक पे बात हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत कॉमन भी है, वो है थायराइड। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा, इसको थायराइड है, उसको थायराइड हो गया है, मुझको थायराइड हो गया है, उसको थायराइड की बीमारी है, उसको कम वाली है, उसको ज़्यादा वाली। एक्चुअली में थायराइड क्या है? थायराइड बीमारी नहीं है। थायराइड एक ग्लैंड होती है जो हमारे नेक रीजन में, गले में स्थित होती है। यहाँ पे इससे कई सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से दो हार्मोन जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है T3 T4। T3 को बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन और T4 को बोलते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन, जिसे थायरोक्सिन भी बोलते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस हार्मोन के फंक्शनिंग की वजह से बॉडी में बहुत सारी चीज़ें लेवल होती हैं, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हमारा बैलेंस होता है, जिसके कम या बढ़ने की वजह से थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसे आप थायराइड बीमारी बोलते हैं। तो हम लोग बात करेंगे, जानेंगे इसके बारे में कि एक्चुअल में ये T3 T4 क्या है या थायराइड क्या है। तो जब हमारी जो ग्लैंड होती है इनकी वजह से T3 T4 का कम होना, बढ़ना या इसके ग्लैंड का फंक्शनिंग होना। थायराइड कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से जो थायराइड है वो दो प्रकार का होता है, एक हाइपो और एक हाइपर। हाइपो का मीन्स कम वाला, हाइपर का मीन्स ज़्यादा वाला। कैसे होता है हाइपोथायराइडिज्म, क्या उसके लक्षण होते हैं और कैसे होता है हाइपरथायराइडिज्म, इसके बारे में भी बताते हैं आपको। हाइपोथायराइडिज्म, इसमें जो ग्रंथि होती है जिसको हम लोग थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, जो हमारे नेक रीजन में होती है, इसका न सामान्य से कार्य क्षमता कम कर देना या T3 T4 का सिक्रीशन, जो थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है उसका सिक्रीशन कम कर देने के कारण से इसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसके कुछ अपने लक्षण भी होते हैं जो इस प्रकार हैं। यदि कोई हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट होगा तो उसको अक्सर क्या आपको देखने को मिलेगा, ठंड बहुत महसूस होती है, उसका वज़न बिना किसी कारण के बढ़ता चला जाएगा और उसको कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत रहेगी। मिक्स एडिमा मीन्स उसको स्वेलिंग होती है और टफीनेस यानी कि फेस पे उसको फूलापन सा होता है, गोल गोल सा चेहरा होता है, हर समय थकान महसूस होती है और जो बहुत ज़रूरी वो है हेयर फॉल, बाल उसके झड़ने लगते हैं वजन। ये सारे सिम्टम्स आपके जो हैं वो हाइपोथायराइडिज्म के हैं। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपको थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो ग्लैंड बनाने का जो काम है थायरोक्सिन का, वो कम हो रहा है। आप अपना टेस्ट जरूर कराइए, अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए जाके, ताकि वो आपको इसके बारे में पूरा बता सके। क्या करना है आपको, ट्रीटमेंट की अगर आप बात करते हैं तो ट्रीटमेंट के तौर पे आपको बाहर से आर्टिफिशियल थायरोक्सिन हार्मोन लेना पड़ सकता है इसके लिए। हाइपोथायराइडिज्म के बाद एक इसका दूसरा ही रूप होता है थायराइड का, उसे बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। अब इसमें क्या होता है, बिल्कुल हाइपो का उल्टा, उसमें थायराइड जो ग्लैंड होती है वो हार्मोन्स को कम बनाती है, सामान्य से कम काम करती है थायराइड ग्लैंड, इसमें सामान्य से ज़्यादा एक्टिविटी हो जाती है, इसे हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी हो जाती है जिस वजह से वो T3 T4 का सिक्रेशन सामान्य से ज़्यादा करना शुरू कर देती है। इसके भी अपने कुछ लक्षण होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको हाइपरथायराइडिज्म है। यदि कोई हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है जिसमें थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो रहा है बॉडी में, तो उसको सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है उसका वज़न घटने लगेगा। ठीक है, वज़न घटने लगेगा, जहाँ उधर बढ़ रहा था यहाँ पे वज़न घटने लगेगा। वो कितना भी खाएगा लेकिन उसका वज़न कम होता जाएगा, भूख उसको बार बार लगेगी, वो जब भी खा लेगा थोड़ी देर बाद उसको भूख लगने लगेगी। रीज़न बिहाइंड, इसमें मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, पाल्पिटेशन होता है, टैकीकार्डिया होता है, पाल्पिटेशन में दिल का बहुत तेज़ से धड़कन महसूस होती है। इसके साथ में उसको लूज मोशन की भी शिकायत हो सकती है, फीवर का महसूस हो सकता है, हर समय हल्का सा फीवर की शिकायत भी वो कर सकता है। ये सामान्य कुछ जो लक्षण हैं, अगर आपको ये महसूस हो रहे हैं या नोट कर रहे हैं आप, तो आप अपना थायराइड लेवल अपना ज़रूर चेक कराइए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए। ये इसके हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं। लक्षणों के साथ में जो हाइपरथायराइडिज्म के बताए, साथ ही साथ ये भी बताता चलता हूँ आपकी सहूलियत के लिए कि हाइपरथायराइडिज्म को भी आप दो भागों में बांट सकते हैं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। टेम्परेरी दरअसल क्या होता है, कई बार किसी को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, थायरॉइडाइटिस हो जाती है, या किसी मेडिकल कोई मेडिसिन लेता है, वो कोई मेडिकल टर्म अपना जो भी उसके मेडिकल थेरेपी चल रही है वो लेता है, इन कई कारणों से उसको
एक टेम्परेरी थायराइड हो जाती है, जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, जो परमानेंट नहीं होती है। कुछ समय के लिए 2-3 महीने मेडिकेशन लेने पे यह स्वतः ही अपने आप रिवर्स हो जाती है। इसी के सापेक्ष पैरेलल एक हाइपरथायरॉयडिज्म होती है परमानेंट, जिसे ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। और जैसा कि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये होता क्यों है, रीज़न तो बता चुका हूँ आपको, थायराइड ग्लैंड के कम या ज़्यादा के कारण, काम करने के कारण हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। बट ये क्यों होता है कि ये कम करने लगती है, उसका मेन कारण है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो आपके खिलाफ ही काम करना शुरू कर देती है। तो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं बॉडी में, वो थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल विपक्षी काम करना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। ग्रेव्स डिजीज़ का या हाइपरथायरॉयडिज्म का जो दूसरा रूप है, उसका भी यही कारण है। इसमें भी आपको सिम्टम्स वही होंगे, लेकिन ये परमानेंट होती है। और ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि ये जीवन भर आपको मेडिसिन इसमें लेनी पड़ती है। कभी कभार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लगातार 2-3 साल ट्रीटमेंट लेने के बाद रिवर्स हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको हमेशा मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आपने समझ लिया होगा हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, इसके सिम्टम्स, कारण क्यों होता है। इसके साथ में अब आपकी एक क्यूरी होगी कि हाँ साहब, ये तो सारी चीज़ें मैंने समझ ली, इलाज क्या है इसका। कोई बात नहीं है, इसका इलाज भी है। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही आसानी से आप कलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें एक आता है त्रिकुटू चूर्ण। त्रिकुटू चूर्ण का बहुत अच्छा है इस पर एक रिस्पॉन्स है, रिजल्ट है। इसके साथ में एक कांच नार गुगुल आता है, वृद्धि वादिका वटी आती है। ये आप इसको ले सकते हैं, 2-2 टैबलेट, 1-1 टैबलेट, लेकिन अपने चिकित्सक के परामर्श अनुसार। ये नहीं कि आप अपने आप ले लीजिए, क्योंकि डोज मेंटेन हर पेशेंट की बीमारी यानी कि व्याधि, उसकी कितनी व्याधि है, कितनी बीमारी का उसका डोज देना है, उसमें कितना ज़्यादा आपको वो टैबलेट्स 2 या 1 या 2.5 या 3 कैसे हैं, वो आपको डॉक्टर बताएगा। थायराइड के बारे में सब आपने जान लिया। अब इस पर ट्रीटमेंट के अगर पोर्शन की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट के तौर पर थायराइड के लिए जो सबसे अभी अच्छा और बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल अगर कोई मेडिसिन की बात करें, तो वो है वृद्धि वादिका वटी। देखिए, इसका क्या काम होता है, मुख्य रूप से ये जो ग्लैंड होती है आपके, उसके जो स्वेलिंग होती है, जिस वजह से वो बढ़ जाती है या घट जाती है, जिस वजह से सिक्रीशंस आपके कम या ज़्यादा हो जाते हैं, उस ग्लैंड को वो नॉर्मल स्थिति में वापस लाने की मदद करती है और उसको वापस लाती है। जब आपकी ग्लैंड अपनी नॉर्मल स्थिति में वापस आने लगती है, तो आपके जो सिम्टम्स होते हैं, जो मैंने आपको सारे सिम्टम्स बताए हैं, उस पर भी उसका अपना एक वर्क होता है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन का हो, टैकीकार्डिया का हो, आपके पालपिटेशन का हो। तो वो ग्लैंड को एक तरफ आपकी स्वेलिंग को कम करती है, उसके साइज को उसको नॉर्मल करती है, और उसके साथ में आपके सिम्टम्स को भी वो सबसाइड करती है। दूसरा मैंने आपको बताया अभी कांचनार गुगुल। कांचनार गुगुल गुगुल की छाल से बनता है उसके कॉम्बिनेशन, और इसका जो इफेक्ट होता है वो भी आपके ग्लैंड को जो फंक्शनिंग होती है थायराइड की, आपके जो T3 T4 के जो सिक्रीशंस होता है, और ग्लैंड का जो बढ़ना होता है, ओवर ग्रोथ जो होती है, उसको प्रॉपर अपने साइज में लाना, कम करना, और सिक्रीशंस को अपने बैलेंस, जो आपका T3 T4 होता है, उसको बैलेंसिंग करना, और बैलेंस के साथ में प्रॉपर उसका बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होता है, थायराइड का सर्कुलेशन होता है, उसको करना, ये उसका मुख्य काम है। और तीसरा नाम जो थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अच्छा जो है, वो है त्रिकुटू। बहुत ही सामान्य है, सब जगह मिल जाएगा, आपके घर की रसोई में भी मिल जाएगा। 3 चीज़ों से मिलकर बनता है ये, अदरक, काली मिर्च, पिपली। इसको जब आप लेंगे, तो इसका सबका एक अलग अलग काम होता है। देखिए, अदरक आपको मालूम है एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, ग्लैंड्स के अंदर जो भी इन्फेक्शन के कारण स्वेलिंग होगी उसको कम करेगी। पिपली वो एंटीबायोटिक का भी काम करेगी, एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम करेगी। और काली मिर्च, काली मिर्च का क्या है, एंटी इन्फ्लामेशन तो वो कर आपका होता ही होता है, इसके साथ में जो आपकी सिक्रीशन प्रॉपर्टी होती है उसको बैलेंस करती है, और थायराइड की जो ग्लैंड होती है उसको प्रॉपर वर्क करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आप जो तीनों सम्मिश्रण है, इसको आप मिश्रित करके, जो मैंने मेडिसिन बताई, इसको आप ले सकते हैं, पर अपने चिकित्सक के सलाह अनुसार ही इसको लें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ट्रीटमेंट के बाद सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, लक्षण उसके, और आपको जितने भी सिम्टम्स आपके मैंने बताए, रीज़न बताए, उससे आपको काफ़ी मदद मिल रही होगी। आप
अगर अपने अंदर ये देख रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ आप अपनी जी रहे हैं, लेकिन उस नॉर्मल लाइफ जीने के साथ में आपको कई प्रकार की ऐसी समस्याएं या सिम्टम्स लग रहे हैं जो मैंने बताया, जैसे कि आपको पालपिटेशन होना, अक्सर ठंड का महसूस होना, कॉन्स्टिपेशन रहना, या बहुत ज़्यादा बाल झड़ना, फिर इसके दूसरे सिम्टम्स हाइपरथायरॉयडिज्म के जो बताए थे कि आप एकदम से दुबले पतले होते जा रहे हैं, वज़न आपका गिरता जा रहा है, सब कुछ खाते हैं, प्रॉपर खाते हैं, लेकिन आपका वेट गिरता ही जा रहा है, और आपको लगता है कि आप बार 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 आप लूज मोशन के शिकार हो रहे हैं। अगर ऐसे कुछ आपको लक्षण महसूस आपको दिखाई दे रहे हैं, यदि वो एक आध दिन के लिए, कुछ समय के लिए, दो चार दिन के लिए है आपके मोशंस, तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये आपको बार बार ये सिम्टम्स हो रहे हैं और लगातार बने रह रहे हैं, तो आप अपना थायराइड लेवल ज़रूर चेक कराइए और अपने चिकित्सक से, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से या आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर मिलें और इसके बारे में अपना पता करें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आपको जो हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में मैंने बताया है, उससे संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का पूर्ण रूप से आंसर या जवाब देने की। धन्यवाद।